अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नेशनल सेविंग्स के हवाले से आपको अपडेट करना चाहूँगा। इस वक्त बड़ी न्यूज़ है आप लोगों के लिए। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक अनाउंसमेंट की गई थी और उसमें जो बचत स्कीमें हैं इन पे प्रॉफिट बढ़ाने का बताया गया था। तो यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि कौन कौन से जो बचत स्कीमें हैं, ये सर्टिफिकेट हैं जिनमें आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो उस पे जो है इजाफा होने जा रहा है। तो इससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि इस तरह की जो अहम तरीन अपडेट्स हैं वो आप तक पहुँचाते रहें। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज से 2-3 दिन पहले हुई थी, मैंने आप लोगों के साथ उसकी वीडियो भी शेयर की थी। तो उसमें ऐलान किया गया था कि जो सालाना प्रॉफिट है वो 16% से बढ़ा के 17% किया जा रहा है। हालांकि ये पिछले दिनों ही इन्होंने अनाउंस किया था कि हम 15 से बढ़ा के 16% कर रहे हैं। तो महंगाई और डॉलर की जो प्राइस ऊपर जा रही है उसको देखते हुए इस वक्त जो बचत स्कीमें हैं उन पे प्रॉफिट बढ़ाया जा रहा है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करने की तरफ रागब किया जा सके। बाकी यहाँ पर दोस्तों आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है इस पर यह इजाफा आपको देखने को मिलने वाला है। और इसके बाद आप देखें तो ये पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट है इस पे बढ़ेगा। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखें तो शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट है इस पे भी ये प्रॉफिट जो है इसमें भी इजाफा होने वाला है। और मज़ीद इसके बारे में ये है कि ये मुनाफे जो हैं कब से लागू हो रहे हैं, इस पे यही खबर आ रही है कि ये फरवरी के पहले हफ्ते से जो है ये लागू हो जाएंगे। और मज़ीद इस पे जो भी अपडेट आएगी इंशाल्लाह हम आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करेंगे इस यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप दिलचस्पी रखते हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल नोटिफिकेशन के साथ, ताकि हमारी तमाम न्यूज़ जो हैं इनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते, अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।